आवाज आ रही है? जी जी बराबर जी आ रही है भाई, आपकी आवाज आ रही है। हाँ भाई, वेलकम है। आपने ये एक कुब्जा वाला कोट किया था ना, जो इंसिडेंट अभी, वो आपने गलत कोट किया। अच्छा, आपको कैसे पता चला मैंने गलत कोट किया? रेफरेंस के साथ दिखाऊंगा अभी। तो जो मैंने रेफरेंस हाँ दिखाया, इसका मतलब है कि उसको आप नहीं मानते। वो ट्रांसलेशन मैंने तो नहीं की ना, आपके हाँ स्वामियों ने भाई, की। ठीक आपकी वो किताब इधर खोल के दिखा देंगे पब्लिक को, आप भी दिखा देंगे। इसका मतलब है कि कोई किताब एक कोई नहीं है आपके पास, है है। किसी नहीं, में कुछ नहीं किया, किताब एक किसी में कुछ। ही। ठीक है, चलो मैं आपको पहले इंसिडेंट बता दूं शुरू से, 1 मिनट में। हाँ हुआ क्या बताइए। था, कुब्जा एक औरत थी, मतलब जो रहती थी वहां पर किंगडम में, उसको मतलब हंचड बैक थी, मतलब उसके जैसे बोलते हैं ना कि पीछे से कूब निकला होता है पीछे किसी। हाँ, ठीक ये बात तय हो गई कि जो हमने रेफरेंस दिया उसके मुताबिक जो कुब्जा थी वो कुबड़ी थी और वो खुशबू हाँ, बेचा कुबड़ी करती थी, थी। इससे आप इत्तफाक करते हैं। ठीक है, अच्छा, उसके बाद श्री हाँ कृष्ण बिल्कुल। जी, श्री कृष्ण जी ने उनको देखा, वो कुबड़ापन ठीक कर दिया। हाँ, आपने एक लाइन छोड़ दी बीच में, अच्छा, क्या छोड़ा वो बता दीजिए आप। ये था कि वो कंस है जो कृष्ण का जो मामा था, तो ये था कि वो जी ऑइंटमेंट लगाने कंस को जा रही थी। तो कृष्णा की, मतलब कृष्णा का एक स्वरूप ऐसा था कि ब्यूटी इतनी थी कि उसे देख के हर कोई अट्रैक्ट हो जाता था, वही कुब्जा के साथ हुआ। तो कुब्जा ने उनसे पूछा कि जो वो कंस के लिए लेके जा रही थी ऑइंटमेंट, वो उसने मतलब उसके दिमाग से वो चीज बिल्कुल बाहर हो गई। ठीक, तो उसने कृष्णा को कहा और बलराम को कि ये मैं आपको लगा दूं ऑइंटमेंट, ठीक है। तो कृष्णा ने उसे कहा कि हाँ लगा दो, कृष्णा को पता था कि ये कुब्जा है। जैसे ही उसने ऑइंटमेंट कृष्णा को लगाई, टच किया उसने, तो कृष्णा ने उसे अपने एक उसके उसके पैर पर अपना पैर रखा, उसे हाथ से पकड़कर बिल्कुल स्ट्रेट कर दिया। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक उसके बाद वो एक कुब्जा से, एक मतलब जो अगली उसका फेस था और डिफॉर्मेशन थी, उससे वो एक ब्यूटीफुल गर्ल में ट्रांसफॉर्म हो गई। ठीक है, तो उसी तरीके से, तो उस टाइम ये हुआ कि कृष्णा को देखकर वो अट्रैक्ट हो गई कृष्णा की तरफ। तो उसने कृष्णा को बोला कि अब मेरे घर विजिट करें आप। ठीक है। है, अच्छा, ठीक है, हाँ यहाँ तक तो हो गया। ठीक यहां है, तक तो सारी बात मैंने भी सुनाई। हाँ, अलबत्ता मैंने इसको बिल्कुल। मुख्तसिर किया और मैंने कहा कि क्योंकि टाइम कम है और रेफरेंसेस देने थे इसलिए मैंने कम रखा। अलबत्ता यहां तक तो बात मैंने भी यही की कि पांव पे रख के हाँ ठीक पांव है, उन्होंने उसका कुबड़ापन ठीक कर दिया, यहां तक तो आप ठीक है। और फिर आपने ये कहा कि उन्होंने दावत भी दी, कुब्जा जी ने दावत दी कि कृष्णा जी आप जरूर मेरे घर तशरीफ लाइएगा, यहां तक हमारी बात ठीक है, हाँ ठीक है। चले आगे चले। तो फिर ये हुआ कि जब उसने कृष्णा को अपने घर इनवाइट किया, तो ये था कि उस टाइम वो भी यंग थी और कृष्णा भी यंग थे। ठीक है, तो कृष्णा के अंदर उसने कृष्णा उसको देखते ही कृष्णा को उसके अंदर एक लस्ट आने लगी, लस्टफुल डिजायर, मटेरियल डिजायर। ठीक है, तो कृष्णा कृष्णा को पता था कि कृष्णा को तो पता था कि हाँ इसके अंदर ये मतलब ये बैड क्वालिटी आ रही है इसके अंदर। तो उसने कृष्णा को कहा कि आप मेरे घर विजिट करें और मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि एक विजिट मेरे घर पे रखें। तो कृष्णा ने उसकी विजिट को एग्री किया। ठीक है, अब लस्ट आ गई थी, हाँ कृष्णा हाँ जी जानते थे कि ये जो हाँ कुब्जा है इसके अंदर ये लस्ट आ गई है, उसके बावजूद उन्होंने इकरार किया कि मैं आऊंगा, ऐसे ही है। हाँ ठीक अब ये बताएं कि कृष्ण जी फिर कुब्जा से मिलने गए, हाँ वो कौन सी हाँ वर्ष गए में है फिर बताइए, उसके। बताइए वर्ष हाँ बताइए। वो है ये है, रुको 2 मिनट। आप 48 पे चले गए ना, 48 से हाँ पीछे टेन भी फोर्टी इसी बताएं। चैप्टर में है ना। हाँ, 1048, हाँ ठीक ठीक है, है, 1048 वर्ष ये कौन सी टेन बता फोर्टी रहे हैं आप? एट अब मैं कोट कर रहा हूँ, 1048-7। ठीक है, 1 to 5 आपने सुना दिए हैं। वन टू फाइव में तो ये है कि उनके घर गए और वो अच्छा, ड्रेसअप ठीक। हुई, ऐसे ऐसे लिखा हुआ उसमें। हाँ अच्छा, वो ड्रेसअप हुई थी, कैसे करके ड्रेसअप हुई थी वो पूरी हाँ बात बता दे, मैंने यार छोड़ दी थी, तब टाइम कम था, मुझे ये था हाँ कि हाँ मैं भाइयों वो को ले लूंगा। ड्रेसअप, बताइएगा वो कैसे ड्रेसअप हुई और क्यों हुई। हाँ, टेंट लगाया और जैसे वो लिखा होता कि फूल लगाए, वो पूरी तरीके से बिल्कुल उसके सामने, कृष्णा के सामने जाने को तैयार थी इसी वे में। ठीक है, ये 5 तक लिखा हुआ है। ठीक है ना, 6 में क्या लिखा हुआ है? हाँ 6 पढ़ दो एक बार, मेरे पास 7, रुको। हाँ 6 पढ़ दो एक बार आप। हाँ, पढ़े पढ़े, 6 भी पढ़े यार, 5 तक ही पढ़नी। खुशबू खुशबू लगा के वो हाँ जब आई है, फिर पढ़ क्या हुआ? हाँ वो पढ़ दो आप 6 एक बार, आपके पास है अब पढ़ दो ना यार, आप यार। पढ़ो मैंने स्क्रीन से हटा दी है, अब मैं अब दिखा दूंगा, आप तो पढ़े, आपको भाई क्या है, क्यों नहीं पढ़ रहे? मैंने कुछ कुछ स्क्रीनशॉट लिया हुआ, सारे चैप्टर नहीं बोला हुआ इस टाइम यार कमाल कर दिए, वो काम की स्लाइड ही आपने छोड़ दी तो फैसला कैसे करेंगे आप? बात तो सारी भाई, वही कर काम रहे का हैं जो तो मैंने सेटल दी है ना। थी। चलो आप वैसे बताओ क्या था 6 में, वैसे ही बोल दो। जनाब, 6 में ये था, कॉलिंग फॉरवर्ड हिज बिलव्ड हु वॉज हाँ एनेक्शियस एंड शेयर एट द प्रॉस्पेक्ट ऑफ दिस न्यू कॉन्टेक्ट, द लॉर्ड पुल्ड हर बाय हर बैंगल्ड हैंड हैंड्स हाँ ऑन टू द ठीक है, बैट ऑन टू द बैट, ठीक है, हाँ बिल्कुल, दस ही एंजॉयड विद दैट हाँ ब्यूटिफुल गर्ल। हाँ बस ये गलती की आपने, जो आपने बोला ना ही इंजॉयड वाला। अच्छा, पीछे ठीक है, वो बेड पे उन्होंने फेंका था। हाँ चलो ठीक है जी, उन्होंने एंजॉय नहीं किया, ये बात मैंने बीच में से काट दी।
अच्छा, हाँ वो ठीक जब है, उन्होंने, लॉर्ड ने उसको बेड के ऊपर, उसके चूड़ियों वाले हाथों से पकड़ के उसको बेड के ऊपर फेंका था, खींचा। हाँ 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 खींचा बिल्कुल। था, खींचा था, हाँ हाँ क्यों खींचा था, क्यों खींचा था? हाँ बगला पढ़ रहा हूँ ना मैं, 7th, उसमें लिखा क्यों खींचा अच्छा था। इसमें लिखा कि भगवान भगवान के चरण कमलों की सुगंधि से ही तिवक्रा भी उसका नाम जैसे कुब्जा बोलते हैं, ने अपने स्तनों छाती और आंखों में कामदेव द्वारा उत्पन्न जलती हुई कामवासना को धो दिया, और इस तरह उसने अपने दीर्घकालीन व्यथा को त्याग दिया। मतलब कि अभी कृष्णा उसे खींचा, कृष्णा की लोट कृष्णा के बोलते हैं कि लोटस फीट है उनके, मतलब जैसे बोलते हैं कि चरण कमल, उनको सूंघते ही मतलब उसके अंदर लट सी, उसको सूंघते ही जो उसके अंदर मतलब जो एक फीमेल की जो होती है कि बॉडी पार्ट में लट होती है, ब्रेस्ट होगी, जितने भी ये चीजें हैं आंखों में सब में, तो उसने उसके अंदर जो काम की एक आग जल रही थी लट की, उसे उसने सूंघते ही उसे बिल्कुल त्याग दिया, मतलब उसे लीव कर दिया। और इसी तरीके से उसने अगली वर्ष आती है कि और इस तरह उसने अपनी दीर्घकालीन व्यथा को त्याग दिया। ठीक है, अच्छा मतलब अभी अच्छा कृष्णा ने उसे टच किया, सिर्फ टच, उसके चरण कमल की, उसके मतलब लोटस फीट की स्मेल से, फ्रेग्रेंस से ही, क्योंकि कोई कृष्णा के बात जो लोटस फीट होते हैं मतलब, नहीं, ठीक ठीक है। है। हाँ, मुबारक कदम है, ठीक है ठीक है। अच्छा, हाँ, तो इसी आपने से ये मतलब बताया उसने कि अपना श्री, ओके ओके, नो प्रॉब्लम, मैं आपको अब दोबारा सुना देता हूँ जो आपने सुनाया है। मैं चाहूंगा इसको ट्रांसलेट आप ही कीजिएगा, सातवें वर्ष ठीक मैं है। भी पढ़ रहा हूँ। सिंपली बाय स्मेलिंग द फ्रेग्रेंस ऑफ कृष्णास लोटस फीट, त्रैवैक्र क्लींस्ड क्लींस हाँ अवे द बर्निंग बर्निंग लस्ट लस्ट ठीक है। किप्ड हेड अराउस्ड इन हर ब्रेस्ट चेस्ट एंड आईज विद हाँ हर ठीक है। टू आर्म्स। ये यहां तक ट्रांसलेट कीजिएगा, ये क्या बनता है इसका? हाँ, यहाँ तक ये है कि भगवान के चरण कमलों की सुगंधि से ये त्रिविक्रा ने अपने स्तनों छाती और आंखों में कामदेव द्वारे द्वारा उत्पन्न हुई जलती हुई कामवासना को धो दिया। अच्छा, धो दिया। कैसे धो दिया भाई? धोया तो ऐसे ही जाता है ना। भाई आप धोने से, धोने से क्या मुराद ले रहे हैं कि बस वो उसकी खत्म हो गई? और भाई आगे भी तो भाई देखिए, यही चले लिखा हुआ, चले। ओके ओके ओके, नो प्रॉब्लम, नहीं प्यारे भाई, कोई मसला नहीं। आगे आगे यही चले, लिखा हुआ ठीक, कि भगवान के आगे चलते, हाँ आगे चलो। चलते। शी एम्ब्रेस्ड बिटवीन हर ब्रेस्ट हर लवर, इसका क्या मतलब? हाँ ठीक है शी शी एम्ब्रेस्ट, भाई। हाँ ठीक है ठीक है। दोनों छातियों के हाँ दरमियान में से उसने पकड़ के उसको खींच के गले से लगा लिया, ऐसे ही है। हाँ क्योंकि लस्ट बिल्कुल खत्म, ठीक है। क्योंकि क्योंकि लस्ट खत्म हो गई थी, हर ब्रेस्ट हर लवर, इसका क्या तर्जमा हाँ होगा? ठीक है भाई। हाँ ठीक है। तो देखो जब लस्ट, उसकी लस्ट खत्म होगी, इसमें लिखा है कि उसने मतलब अभी स्मेल स्मेल फ्रेग्रेंस से उसकी लस्ट खत्म होगी, अरे तो भाई, उसके जब बाद जब ही उसने डालने कृष्णा को, नहीं, जब ही डालने नहीं बेड के ऊपर लेट के, तो फिर खुद ब खुद ही लस्ट खत्म हो जानी है, जब लस्ट खत्म ही कर भाई लेनी खुद है। ये लिखा हुआ जब नहीं भी है कि उसने जब क्या ही लिखा है डाली, कि उसने गले भाई लगा पहले लिया, क्या लिखा कि पहले ये पहले लिखा कि उसकी, चरण चलो कमलों उसकी की कामना, सुगंध अच्छा से आगे ही, पढ़, चले आगे पढ़ लेते हैं। तेरे भाई, उसकी जलती हुई ठीक है। कामनाएं जो हैं वो शांत हो गई। मैं तो इसको ये ट्रांसलेट करूंगा, आप कर रहे हैं कि वो साफ हो गई। मैं कह रहा हूं साफ तो होनी थी, दरअसल वो शांत हो गई। शांत तो होनी थी कि जब उसने गले लगा लिया अपने लवर को और अपने दोनों ब्रेस्ट के दरमियान उसको भिंच लिया। आगे थोड़ी सी ट्रांसलेट मेरे लिए नहीं कर नहीं नहीं दीजिएगा। भाई, पहले समाप्त हुई है, मतलब पहले पहले देखो 7th है ये, कि चरण कमलों की सुगंध से मतलब फ्रेग्रेंस खत्म हुई है, फिर लगाया अच्छा गले, चले, ठीक है। इसका गले मतलब है लगाने के कि, बाद खत्म नहीं इसका हुई मतलब है कि औरतों को ऐसे ही गले लगा लेना बगैर शादीशुदी के, बेड के ऊपर उनको लिटा के गले लगा लेना अच्छा अमल है? भाई। अच्छे की अब ये बात, अब ये समझो ना कि चरण कमल से मतलब अगर किसी औरत के अंदर अगर ये लस्ट जगी हुई है, तो ये कभी नहीं होता कि आप किसी के पैरों के स्मेल से ही वो खत्म हो जाए। जी देखिए, मैं मानता हूं, मैं आपकी बात मान रहा हूं मेरे भाई, वो खत्म हो गई। खत्म होने के बाद जब फीक किस लिए डाली है और अपने दोनों हाँ ब्रश के भाई दरमियान में उसको क्यों रखा है? ठीक है। हाँ ये तो ये लस्ट होता है कि लिए जैसे कई क्या था? बार और ये अच्छा अमल है कि जिसके साथ आपकी शादी भी नहीं हुई है उसको आप बेड पे लिटाएं और वो आपको जफ्फी डाल के आपको गले के साथ लगा ले, तो ये पवित्रता है? ये अच्छा भाई काम है? पवित्रता क्या ये आप है कि इजाजत देते हैं? पहले भाई, मैं रोहन, मैं सख्त लफ्ज कहूंगा, लेकिन मैं अफसोस के साथ मुझे ऐसे कहना कहने पड़ रहे हैं ताकि बात समझ में आ जाए। क्या अगर आप अपनी मदर को, अपने सिस्टर को इजाजत देते हैं कि उसके अंदर कामनाएं तो ना हो, लेकिन वो मर्दों को जफनियां डाले बुला के घर में? देखें, ये तो अब सबको पता चल गया, ये तो सब दोस्त भी समझ में आ गई कि जब उसकी वो कामनाएं ठंडी पड़ गई उसके बाद उसने उसको गले लगा के उसके साथ लेटी रही है, हाँ उसको छातियों के दरमियान ठीक है। लगा के, लस्ट तो खत्म होनी थी। जब वो पूरी हो गई ख्वाहिश, तो क्लीन हो गया सारा कुछ, उसके बाद भी उसने जफ्फी डाल के उसको रखा भाई है, कैसे तो खत्म ये होगी ये अच्छा बता दो अमल मुझे, है। चलो यार, ठीक, जब पूरी हो एक्सप्लेन गई कर दो ख्वाहिश, वैसे जब ख्वाहिश पूरी हो गई तो भाई और क्या करना कैसे था? कितनी हुई देर कर लेनी थी भाई? आप ही बता भाई। दीजिए, जफ्फियां डाल के बेड के ऊपर लेट के अच्छा ठीक खेच है के कृष्ण जी खींच रहे हैं और आप मान रहे हैं कि उन्होंने चलो ये खींचा। फिर बताओ। आप ये भी मान रहे हैं कि, यार एक मिनट, आप ये भी मान रहे हैं रोहान भाई कि
कृष्ण जी ने जब उनको खींचा है, उन्होंने उसकी सौगंध सूंघी, उसके बाद उनकी छातियों के अंदर हर जगह पे जो है हर चीज जो है उनकी साफ होगी, और फिर वो जफ्फी डाल लेती। तो यही तो ठीक मैं है। आपसे पूछ रहा हूँ, ये इस पे तो आप डिसएग्री नहीं करते कि ये हुआ था। रोहन भाई मैं आपसे पूछता हूँ, कृष्ण जी एक आम आदमी नहीं, एक आम आदमी कृष्ण जी नहीं, अच्छा वो ठीक है। आते हैं आपके घर, और आपकी सिस्टर जो कि, जो मैं शर्मिंदा हूं कि मुझे ऐसी एग्जाम्पल देनी पड़ रही है, वो आपको भी पता है कि वो आ गए हैं, और जाहिर बात है आपकी अकीदत है, वो आपकी बहन को चारपाई के ऊपर खींच लेते हैं और अपने साथ लिटा लेते हैं, तो आप इस बात की इजाजत अच्छा देंगे उन्हें, आप इस बात की इजाजत देंगे कि ठीक है कृष्ण जी हैं क्योंकि ये, इसलिए ये कर सकते हैं, और आपकी बहन भी जफियां डाले, तो आप इसको ठीक हाँ ठीक समझते है हैं? जस्ट इतना बता दें, बात तो खत्म होगी। भाई, सुनो पहले आप जो ये गुड़िया बोल भी रहे हो ना किसी कि की मेरी बहन बहन है, के घर में, अरे भाई हम मेरी गुड़िया भी बहन के किसी पास की आए बहन भाई, है। हाँ सुनो कुछ, ये जो इंसिडेंट है ना, ये नहीं है कि कृष्ण हर किसी के घर जाके किसी को जप्पी पा के लेट रहे हैं। यार, ये मैं ये कह रहा इंसिडेंट हूं हर एक आपके चीज, घर आ जाती, किसी के साथ नहीं होता, दुनिया में किसी के साथ नहीं होता। कृष्ण जी आपके घर में आके ये करते हैं तो इजाजत देते हैं आप? बस ये बता दें, अगर इजाजत देते हैं तो हमें क्या मसला हो सकता? बात ये है कि ये जो इंसिडेंट हुआ है, जो भी इंसिडेंट हमारे स्क्रिप्चर्स में लिखे हुए हैं, उसका एक मैसेज होता देना। जस्ट ये बता दें पब्लिक पब्लिक के लिए, ये बता दें कि अगर श्री कृष्ण जी महाराज या कोई और ऋषि मुनि तशरीफ लाते हैं और आपसे आके ये कहते हैं कि मैंने जरा तनहाई में आपकी सिस्टर के साथ मिलना है, और देखिए मैं नहीं मेरी ऐसे सोच, कहेंगे नहीं कभी चलो नहीं कहते हैं, वैसे ही चले जाते हैं लेके, तो आप जाने देंगे? भाई, अगर ऐसे कहेंगे नहीं ना, ये आप वो कंपैरिजन गलत कर कहेंगे रहे हो, नहीं, वो क्वेश्चन कर गलत देते हैं पूछ रहे हो ना। मुझसे, चलो ठीक है, आप इजाजत देंगे करेंगे कि नहीं नहीं? ना भाई। यार वो बात की बात है, उन्होंने तो किया है, कुब्जा के साथ नहीं किया उन्होंने, कुब्जा ने उनको जफियां नहीं तो मैं डाली आपको हैं। पूरी पूरी वर्स बता रहा हूँ ना, क्यों किया है इंसिडेंट, इसके पीछे यार मैसेज देने का यार मैं मकसद वही था। कह रहा हूँ, मैसेज दे देंगे वो, आप इजाजत देंगे, उससे भी मैसेज ही लेंगे हम, हमें मैसेज आ जाएगा, आप इजाजत दे देंगे अपने अच्छा सिस्टर को या बेटी को या वालदा को? अगर अगर कृष्ण भगवान है, ठीक है, कृष्ण अगर ये चाहते हैं कि अगर इससे कोई मैसेज आता है, जैसे इसने लिखा है कि पूरा आगे 22 में वर्ष किया, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? यार आप फिर वही बात घुमा रहे हैं, आप अपनी सिस्टर को नहीं, क्यों नहीं उन्होंने इजाजत इजाजत दी? दे दी है, चले क्या दे दी? ठीक है, उन्होंने इजाजत दे, आपने उन्होंने इजाजत दे इजाजत दी है दे, ना कि आपकी वालदा मोहतरमा या सिस्टर या बहन, आपकी बीवी हाँ कृष्ण तब जी के दिया, तो पास आपको जाती ये है। भी, तो ये भी मानना पड़ेगा कि सामने वाला भगवान होना चाहिए, ऐसे नहीं कि चले दे दी। ठीक है, आप दे देंगे ना इजाजत, वो जफियां शुफियां डालने हाँ भगवान है, खैर है। चलो यार, अब सुन ली बोल आपकी दो ट्वेंटी। बात, रोहान भाई आपकी बात आ गई कि भगवान है, वो जफियां डाल लें, वो ऐसी हरकतें करें, वो जैसे नहीं नहीं अच्छा नहीं हाँ नहीं तो हाँ क्या नहीं, अच्छा गुरु ग्रंथ, रति आप वाली गुरु ग्रंथ बात साहिब क्या को है? मानते हो? रति गुरु वाली, ग्रंथ मैं साहिब को मुझे मुझे नहीं गुरु ग्रंथ साहब का पता, आप मुझे ये बताएं कि रति के, रति को देख के ये क्या हुआ था? भाई, रति वाला भी इंसिडेंट अलग, उसकी मैं आपको उसकी रेफरेंस अलग कोटिंग करनी पड़ेगी, अभी बात कुब्जा पे हो रही है। तो गुरु ग्रंथ साहिब कोट करते हैं कि, यार देखो मैं मैं आपको एक गुरु ग्रंथ वर्स को कोट नहीं करता पूछ हूँ। रहा, रति वाली बात पे आ जाइए, क्योंकि आपने ये बात तो जैसे हमने कही थी वैसे ही मानी, और आप कह रहे हैं आप अपने सिस्टर को भी इजाजत देंगे कि भगवान है तो जाके भाई कोई मैंने, जफ्फी जुफ्फी डालनी है तो डालने, आप तो एक कोई कंपैरिजन ही बात गलत कर रहे हैं, मैं ये कर रहा हूँ कि पहली बात तो बोलेंगे नहीं, ठीक है, और अगर सामने भगवान है, इसका मैसेज है देने का मकसद, वो यार, वो आपको आपके एक्सप्लेन किया सिस्टर के मैंने। जरिए से अगर ये पैगाम देना चाहें, जैसे द्रौपदी के लिए 5 शौहर मुंतखब अच्छा, कर तो दिए थे, तो फिर अगर मैं ये क्वेश्चन आपको आपसे पूछूं, फिर आपको बुरा लग पूछ, जाएगा वैसे। नहीं मैंने यार कोई गलत क्वेश्चन तो नहीं पूछा, पहले भाई कुब्जा भी किसी की बहन है, मैं तो कुब्जा के लिए कह रहा भाई हूँ, थोड़ी कंट्रो, वो नहीं अच्छा नहीं पता आपकी क्या, बहन बहन है और कुब्जा किसी की बहन नहीं है। चले मेरा ठीक है कहना ना, है, हमारी मैं बात बहुत इसीलिए, अच्छी हुई है रोहन प्यारे भाई, और मुझे खुशी इस बात की हुई है कि हमारे सनातनी भाई पढ़ने लगे हैं अपनी किताब में, और पढ़ते हैं, कम से कम आपने अपनी भाई किताब पढ़ते में हैं पढ़ाई, शुरू से नहीं आप पढ़ते हैं ना यार, सारे तो नहीं ना पढ़ते, ही, नहीं, शुरू से पढ़ते हैं। नहीं बहुत अच्छी बात है ये, बहुत अच्छी बात है, खुशी वाली हाँ बात है, कम से कम मेरे लिए तो भाई ये खुशी वाली बात है कि सनातनी भाई पढ़ते हैं और आप पढ़े लिखे भाई हैं, मुझे इस बात पर खुशी है, बहुत ओके, शुक्रिया। चलिए जी, बहुत शुक्रिया रोहन भाई, ये थे हमारे रोहन भाई, बहुत प्यारे, इनसे काफी अच्छी गुफ्तगू।